हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम एक और कार्य के वापस आ चुके हैं आज, करें। आज रिव्यू करेंगे हिंडा वर्ना एस एक्स ऑप्शनल वेरिएंट 1.5 टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन ठीक है तो अगर आप चैनल मिलने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कौन कौन से कलर में अवेलेबल है फ्यरी रेड और आपका वाइट में अवेलेबल है गाड़ी इंजन की बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो 1500 सीसी का इंजन आता है लेकिन जब टर्वोलो चार्ज है तो 1482 सीसी फोर सिलेंडर का इंजन है पेट्रोल में अवेलेबल है 158 फिफ्टी निकालता है दो सौ तिरपन एम के साथ 20 का एवरेज क्लेम्ड है फ्रंट व्हील लाइफ गाड़ी है मैनुअल वो सिक्स गेयर में अवेलेबल है बी सिक्स फेस टू कंपन के साथ गाड़ी की लेंथ की बात करें फोर फाइव थ्री फाइव एम एम विड्थ की बात करें वन सेवन सिक्स फाइव एम एम हाइट वन फोर सेवन फाइव एम एम वील बेच छब्बीस सौ सत्तर एम का फोर डोर फाइव सीटिंग के पास सीरी टू डोर के साथ आती है बूट स्पेस की बात करें तो फाइव ट्वेंटी एट लीटर्स फ्यूल टैंक है फोर्टी फाइव लीटर्स का फ्रंट में डिस्क रियर में ड्रम फाइव पॉइंट टू मीटर का टर्निंग रेडियस इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील ऑलॉल वील्स वील मिलते हैं आपको इसके अंदर लेकिन स्पेयर आपको स्टील मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस अपडेट अभी तक नहीं आया है और अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस अब वन सेवेंटी एम एम जो कि इसके रॉबल वर्टूसर सलाबिया पेश करती हैं है, तो ये बहुत तकड़ा एक कॉम्पिटिशन के पास ऑलरेडी आ चुका है बाकी दो सौ पाँच पचपन आर सिक्सटीन प्रोफाइल रहेगी और इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं जिसमें क्योंकि इसमें एडास आ जाता है तो सिंगल बीप एट्टी किलोमीटर्स आएगी कंटिन्यूस भी अब की वन ट्वेंटी किलोमीटर्स पाएगी लेन डिपार्चर वार्निंग एमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग फॉरवर्ड कॉल्यूशन वार्निंग हाई बीम असिस्ट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन लेन डिपार्चर प्रिवेंशन रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट सिक्स एयरबैग्स मिडिल जो रियर सीट्स है उसमें भी आपको आपका सीट uh, बेल्ट मिल जाता है टायर प्रेशर मोनिटर सिस्टम सीट बेल्ट वार्निंग चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स एबीएस बी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिल होल्ड कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे तमाम फीचर गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं कीले आपको एंट्री मिल जाएगी स्पीड सेंसिंग डोर लॉक चाइल्ड सेफ्टी लॉक आटोमेटिक इसी मिलेगा क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रियर ए रियर सीट के लिए आपको वेंट्स मिल जाएंगे आमरेज के अंडर में ए सी है तो हीटर अवेलेबल है गाड़ी के अंदर और इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लस गाइड है पार्किंग सेंसर फ्रंट एंड रियर दोनों में अवेलेबल हैं क्रूज कंट्रोल आ जाता है गाड़ी के अंदर हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर किल स्टार्ट स्टियरिंग का सिर्फ टिल ट एडजस्टमेंट है टिल टेलिस्कोपिक तो एडजस्टमेंट मिल जाएगा बारह वोल्ट का एक पावर सॉकेट है सीट uh, अगर सीटिंग की बात कर लेते हैं इसमें तो ड्राइवर जो साइट है और फ्रंट सीट जो है सिक्स वे इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल है रियर सीट टू वे मैनुअल एडजस्टेबल है uh, सीट से बहुत सी में लेदराइट का इस्तेमाल uh, इसके अंदर किया गया है लेदर डाइप को व्हील मिलेगा आपको लेदर डाइप आपका गेर नॉब मिल जाएगा ड्राइवर साइड साथ आमरेस मिल जाएगा वेंटिलेटेड सीट्स हैं लेकिन वो सिर्फ फ्रंट है जिसमें हीटिट और कोल्ड दोनों का फीचर है डोअल टोन में ब्लैक और रेड कलर में आपका इसका एंट्री मिलेगा देखने को रियर आमरेस भी कप होल्डर के साथ अवेलेबल है ठीक है हेड रेस फ्रंट एंडियर दोनों में है कप फोल्डरस फ्रंट एंडियडियर दोनों में अवेलेबल है ड्राइवर से आमरेस्ट में जो है स्टोरेज भी अवेलेबल है, प्लस कूल ग्लव बॉक्स भी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है सन ग्लास होल्डर के साथ एक गाड़ी आती है ओरवीम जो है इसके वो बॉडी कलर मिल जाएंगे आपको फ्रंट एंड डियर में पावर विंडोज़ वन टच में बैठा हुआ उससे सिर्फ ड्राइवर को फैसिलिटी मिलती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल इसकी ओवरवियम है रियर डिफॉगर गाड़ी के अंदर अवेलेबल है प्लस टर्न इंडिकेटर आपकी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है सारे वेरियंट्स हैं बस इन्होंने फॉगलेट्स हटा दिया है तो अगर मैंने किसी वीडियो में गलती से बोल दिया हो कि फॉगलेट्स तो उसको माइंड ना कीजिएगा ठीक है और ये अब सब हर कंपनी कर रही है पता नहीं क्यों ऐसा हो गया यार ये बात मेरे जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि फॉकलाइट से हटा दिए ठीक है उनका एक अलग लुक आता था बट चलो कोई बात नहीं जो इसे कर रहे कर हैं डोर पॉक्स की बात कर लेते हैं तो फ्रंट इंजीनियर दोनों में आपको अवेलेबल है इलेक्ट्रिक टेल के ट्रीज इसके अंदर मिल जाता है सन अवेलेबल है और रूफ ना बॉडी कलर बम्पर सिक्सटी फोर एम लाइटिंग हेडलाइट की बात करें तो एल का इस्तेमाल किया गया जिसमें ऑटोमेटिक हेड फॉलो मी हेड लैम्प्स काउरिंग हेडलाइट में भी इसका अवेलेबल है टेल लाइट ऑब्वियसली एल है डी आर है और एम बी में मैंने आपको बता दिया हाई केबल लाइट फ्रंट एंड डयर दोनों में अवेलेबल हो जाती है हेडलाइट हाइट एडजस्टर है गाड़ी के अंदर और एवरेज फ्यूल कन्ज्पशन जिसमें जिसका जो उसका डिस्प्ले है जो टचक्रीन जो उसका इंस्ट्रोमेंट कलस्टर जिसमें एवरेज फ्यूल कन्ज्पशन आता है एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंट तो टेंटी कौन से गियर में गाड़ी है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है टेन इंच की टच स्क्रीन दी गई जिसमें है जिसमें एंड्रॉड ऑटो है एप्पल कार प्ले है और एट स्पीकर के साथ आता है जिसमें स्टीयरिंग मॉडिटिंग कंट्रोल वॉइस कमांड जी पी एस ब्लूटूथ ऑक्स एफ एम ए एम एम यू एस बी वायरलेस चार्जर ये तमाम फीचर गाड़ी के अंदर अवेलेबल प्लस आपका आईपॉड कंपैटिबिलिटी भी तो अगर इसका प्राइस की बात करें तो ऑन रोड डेरी मेरे एरिया की एटीन लैक् सिक्सटी सिक्स थाउजेंड ऑन रोड आपका एस एक्स 1.5 वन पॉइंट फाइव टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कार एंतू है आपको फीचर्स नहीं है वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को पर सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच